بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم How are you students? I hope all of you will be fine. Today we shall learn English and our topic is I want to stay awake. मैं जागना चाहता हूँ. ठीक है बेटे? जरा इसकी जरा introduction बोलिए थोड़ा सा. Setting at Emperor Palace. ये कहाँ पे हुआ था? Emperor के palace पर, उसके महल पर. टाइम वन मॉर्निंग, एक सुबह था जब ये वाला वाक्य हुआ. क्रैक्टर्स एंड एम्परर डॉक्टर सर्वेंट. बेटे इसमें तीन क्रैक्टर्स हैं, उनके नाम ये हैं एम्परर शहंशाह बादशाह यानी के डॉक्टर एंड सर्वेंट. ठीक है, प्रॉब्लम स्टोरी क्या है, कोई हर चीज का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है. इस स्टोरी में भी जो मुझसे बनी हुई एक प्रॉब्लम है. एम्परर वाज फीलिंग स्लीपी एंड टायर्ड. एम्परर जो शहंशाह था, जो बादशाह था, उसको नींद आ रही थी, वो थका हुआ था. वो महसूस कर रहा था कि उसको नींद आ रही है, उसको थकावट महसूस हो रही है बेटे. ठीक है, बट ही वॉन्टेड टू स्टे अवेक एंड एक्टिव. लेकिन वो जागना चाहता था और एक्टिव होना चाहता था. ठीक है, और उसके कुछ वर्ड्स हैं सर्वेंट, नौकर या मुलाजिम, जो कि इंसान की खिदमत करे. ठीक है, ऑफर पेश किया, अवेक जागना. ठीक है, बेदार होना यानी नींद ना आए. वंडरफुल हैरानकुन, हैरानकुन ताज्जुब से देखकर बंदा हैरान हो जाए कि ये कैसे हो गया ये वो चीज. एक्साइटमेंट पूर जोश. ठीक है, इसकी थोड़ी सी जरा स्टोरी आपको बता देती हूँ. एंड एम्परर वाज फीलिंग स्लीपी. एक शहंशाह था, उसको नींद महसूस हो रही थी, उसे नींद आ रही है. सो ही कॉल्ड आवर डॉक्टर, उसे डॉक्टर को बुला लिया. डॉक्टर गेव हिम टी लीव, उसने उसको क्या दिया? टी लीव, चाय के पत्ते. टू च्यू चबाना, यानी चाय के पत्ते किसके लिए दिए थे? चबाने के लिए. ही डिसलाइक इट टू च्यू, वो सब नापसंद करता, उसे पसंद नहीं आया इसको चबाने के लिए. एंड ऑर्डर टू थ्रू देम, और ऑर्डर दे इसको फेंक दो. जाहिर है व्यक्ति जिसको पसंद आया फेंक देते, उसने उसे फेंकने के लिए कह दिया जी. और थ्रू दम से ऑर्डर दिया कि इसको दम से हुक्म दिया इसको फेंक दो, जो जिस पसंद ना उसको फेंक दी जाती है. सम टी लीव्स फेल इन टू द होट वाटर, और उसमें से कुछ पत्ते जो फेंकने के लिए कहा था उसमें से वो गर्म पानी में गिर गए. क्या गिरे? गर्म पत्ते. किस चीज के? टी लीव्स. इट स्मेल्ड सो नाइस, देखिए उसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी थी. आफ्टर दैट ही ड्रैंक द वाटर, उसके बाद उसने वो सारा वाटर पी लिया. कौन सा वाटर बेटे? जो पानी में गिरा था, जो पत्ते जो उनसे पानी में गिरे थे, उसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी आई, उसे बहुत अच्छा लगा, उसने सारा पी लिया. उसके बाद क्या हुआ? नाउ ही स्टॉप फीलिंग स्लीपी, अब उसको नींद आना खत्म हो गई थी. जी बेटे, ये थोड़ी सी समरी थी, हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक पेज नंबर 11. जी स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 11. आई वॉन्ट टू स्टे अवे. यूनिट नंबर 2. अ स्टूडेंट सेड टू हिज टीचर, एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से कहा, आई फील टायर्ड एंड स्लीपी ऑल द टाइम, मुझे हर वक्त थकावट महसूस होती है और नींद आती है. आई कांट स्टे अवेक टू स्टडी योर लेसन, और मुझे कौन सा है क्या होता है बेटा? आई कांट स्टे अवेक, मैं जाग नहीं सकता. टू स्टडी योर लेसन, आपका सबक याद नहीं कर सका. ठीक हो गया, नींद आ रही थी, वो कैसे याद कर सकता? व्हाट शुड आई, द टीचर रिप्लाइड, हियर इज अ प्लांट, टीचर ने कहा कि यहाँ पे एक दरख्त है, इट विल कीप यू अवेक, जो आपको जगाए रखेगा यानी आपको नींद नहीं आएगी. व्हेन यू फील टायर्ड और स्लीपी, पिक अ फ्यू लीव्स फ्रॉम द प्लांट एंड च्यू देम, जब आपको नींद आए तो कुछ पत्ते लेना और उसको चबाना. सो यू वॉन्ट फील स्लीपी, इन डीड यू विल
फील यंग स्ट्रॉन्ग अगेन। क्या होगा उसके बाद, आप ऐसे लगोगे जैसे आप यंग हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे। विच प्लांट वॉज द टीचर टॉकिंग अबाउट, वॉज इट कॉफी आर टी आर कोको। जी बेटे इसमें से कौन सा है, जरा सोचिए। सोच लिया, नो रीड द स्टोरी। जी मैंने आपको सोचने का कहा, सोच लिए, जब हम स्टोरी पढ़ते हैं हमें पता चल जाता है। वन मॉर्निंग द एम्परर ऑफ चाइना वॉज फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी। एक सुबह चाइना का जो एम्परर वो थकावट महसूस कर रहा था, उसे नींद आ रही थी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, द एम्परर ऑफ चाइना वॉज फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी। ही हैड अ लोड ऑफ वर्क टू डू, लेकिन उसके पास काम करने के लिए बहुत ज्यादा था। बट ही परहैप्स आई एम सिक, शायद मैं बीमार हूं। ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा। सर्वेंट मीन्स मुलाजिम या नौकर, राइट है बेटे? ठीक है, गेट माय डॉक्टर, उसने कहा मेरे डॉक्टर को बुला लो। ठीक है, जिसे नींद आ रही थी उसने क्या कहा, कि मुझे जो उनसे लग रहा है मैं बीमार हूं तो मेरे डॉक्टर को बुलाओ। व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, द एम्परर सेड आई हैव मेनी टाइम टू डू टुडे बट आई कांट कीप माय आईज ओपन, कैन यू हेल्प मी। जब डॉक्टर आया तो उसने कहा मुझे बहुत से काम करने के लिए हैं और मेरी आंखें खुल ही नहीं सकती, आप मेरी मदद करोगे। द डॉक्टर ओपन्ड हिज बैग एंड टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स, डॉक्टर ने क्या कि अपना बैग खोला, उसमें छोटा सा बॉक्स था वो निकाला। देर वर सम ड्राई डार्क लीव्स इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर जो थे पत्ते थे डार्क से, खुश्क थे, ड्राई खुश्क। ग्रेट एम्परर वुड यू लाइक टू च्यू सम ऑफ दीज लीव्स, एम्परर बादशाह म्यूजियम, क्या आप ये पत्तों इनमें से इन पत्तों को चुबाएंगे, पसंद करेंगे, लाइक पसंद करना। दे विल हेल्प यू, ये आपकी मदद करेगा। दे आर कॉल्ड टी लीव, उसे क्या कहते हैं, टी लीव। बेटे क्या आपने सोचा था, चले जाइए, मिल गया ना आपको आंसर। सेड द डॉक्टर ही ऑफर्ड द एम्परर अ फ्यू लीव, उसने और जो था बादशाह मौजम को, शहंशाह को कुछ पत्ते पेश किए, ऑफर पेश किया। ठीक है बेटे, द एम्परर लुक एट द टी लीव्स, then he put them in his mouth and began to chew them, chew chabana, they don't taste nice at all। अब जब डॉक्टर ने उसे चबाया तो उसका जायका अच्छा नहीं था, टेस्ट कहते हैं जायका को। ठीक है, they are unable, said the emperor, emperor ने कहा ये तो खाने के काबिल ही नहीं है। But they will help you to stay awake, great emperor, said the doctor, डॉक्टर ने कहा बादशाह मौजूम आपको ये जगाने में मदद करेगा। The emperor was angry, I am the emperor, वो नाराज हो गया, उसने कहा मैं बादशाह हूँ। If something doesn't taste nice, I won't chew it, अगर किसी का जायका अच्छा नहीं होता मैं उसे नहीं चबाऊंगा, shouted the emperor, और इसने ये बात चीख के कही। If you don't take your leaves away, अगर आप अपने पत्ते लेकर नहीं जाओगे, I will cut off your head, मैं आपका सर काट दूंगा। Just as the doctor was leaving, जैसे डॉक्टर जा रहा था, two servants came into the room, दो उसके मुलाजिम नौकर उसकी खिदमत करने वाले रूम में आ गए। They were carrying the emperor's bath, उसने emperor का bath उठाया हुआ था, यानी उसका tub जिस था नहाने वाला वो उठाया हुआ था। इट वॉज फुल ऑफ हॉट वाटर, ये हॉट वाटर गर्म पानी से भरा हुआ था। सम ऑफ टी लीव दैट डॉक्टर वाज कैरिंग फेल इनटू द हॉट वाटर, और जो पत्ते डॉक्टर ने उठाए पकड़े हुए थे उसने पानी में फेंक गिर गए। दैट स्मेल्स वंडरफुल, उसकी जो सी थी खुशबू बहुत हैरान कुन थी, वंडरफुल हैरान। ठीक है बेटे, Perhaps I can drink the tea leaves, the emperor said to the doctor. उसके बाद एम्परर ने डॉक्टर से कहा मैं इसे पी सकता हूँ। Bring me a cup of
ऑफ हॉट वाटर। ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने मुलाजिम से कहा कि मुझे एक कप जो है गर्म पानी का दो। गो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23। व्हेन द सर्वेंट ब्रॉट अ कप ऑफ हॉट वाटर, द एम्परर पुट अ फ्यू टी लीव इन टू द वाटर। जब मुलाजिम वो कप लेके आए तो एम्परर ने कुछ पत्ते उस पानी में डाल दिए। The water became a beautiful golden color and smelled very nice. उसका कलर कैसा हो गया बेटे? गोल्डन, और उसकी स्मेल बहुत अच्छी। The emperor tasted the water. उसने उसका टेस्ट लिया, जायका देखा। A big smile spread around his face. उसके फेस पर बहुत अच्छी सी स्माइल आ गई, खुशी हो गई, ठीक हो गया ना। जब स्माइल तो उस वक्त आते हैं जब बंदा खुशी महसूस करे। This taste wonderful, इसका तो जायका बहुत हैरान कन है। He shouted in excitement, उसने ये पुरजोश यानी खुशी से कहा, excitement पुरजोश, ठीक है। Then he drank up all the water, उसके बाद उसने वो सारा पानी पी लिया। A few minutes later, he stopped feeling sleepy. और उसके बाद उसको नींद आना खत्म हो गई। ही वाज फुली अवेक, अब बिल मुकम्मल पर बेदार हो चुका था, जाग चुका था। अवेक, जागना, ठीक है बेटे। एंड ही फेल्ट यंग एंड स्ट्रॉन्ग अगेन, और उसके बाद वो खुद को महसूस कर सकता था कि वो यंग है और स्ट्रॉन्ग है, जो हमने शुरू में पढ़ा था, ठीक है। जब स्टूडेंट ने कहा था उन्हें नींद आ रही थी, उन्होंने कहा था ना कि आप टी लीव्स लोगे उसके बाद यंग स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, यही फीलिंग उसी है अब एम्परर में आ रही है। द एम्परर स्माइल्ड एट द डॉक्टर, द एम्परर स्माइल्ड एट द डॉक्टर, यू आर वेरी क्लेवर, ही सेड आई वोंट कट ऑफ योर हेड। अब एम्परर ने कहा आप बहुत चालाक हो और अब मैं आपका सर नहीं काटूंगा। उसने पहले कहा था जब स्माइल आई तो उसने कहा था कि टेस्ट अच्छा नहीं है, इसे ले जाओ अदरवाइज आपका जूसा है जूसा है सर काट दूंगा, कहा था ना, वो कहता नहीं काटूंगा। देन द एम्परर टर्न टू द सर्वेंट एंड सेड, उसके बाद अपने मुलाजिम की तरफ मुड़ा और कहा, ब्रिंग मी अ कप ऑफ दिस वंडरफुल ड्रिंक एवरी मॉर्निंग, और ये जूसी है कप ऑफ वाटर जो है मुझे रोजाना सुबह को दिया करो, ठीक है। सिंस दैट डे पीपल हैव ग्रोन टी इन चाइना एंड इन मैनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद ये जो है द्राफ्ट टी का ना सिर्फ चाइना में बल्कि तमाम दुनिया में इसको उगाया जाता है। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसका सोल्व वर्क आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा।